आईएमए भवन कर्मटोली में झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार कामेश्वर प्रसाद निरंकुश के द्वारा झारखंड की जनजातीय पृष्ठभूमि पर आधारित काव्य रचना स्वर्ण रेखा बहती रही का विमोचन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री मुकुंद नायक, विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड से आए साहित्यकारों ने निरंकुश की काव्य कृति के बारे में चर्चा की और कहा उनकी रचनाओं में माटी की खुशबू है और उनके रंगों की छाप अवश्य पड़ती है। वहीं अन्य साहित्यकारों में निरंकुश की कृति की चर्चा करते हुए कहा कि लेखक ने झारखंड की लोकवाणी संस्कृति की छवि को कविता के माध्यम से उतारने में पूर्ण सफलता पाई है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन दीप जलाकर किया गया, साथ ही सांस्कृतिक नृत्य से कार्यक्रम का आवाज किया गया तथा तत्पश्चात पुस्तक स्वर्ण रेखा। कोई भी काव्य या काव्य की कोई भी कविता अगर उद्देश्य लेकर न हो तो उस कविता का कुछ महत्व नहीं हो जाता है। लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही है, समाज बदल रही है, लेकिन जब झारखंड के परिक्षेत्र में हम कहते हैं तो इस झारखंड की पुस्तक का ही नाम है स्वर्ण रेखा बहती रही। जहाँ कभी लोग सोना चूना करते थे, जहाँ नदियों में इसका सर्वत्र स्थान है, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि विकास के पथ पर जा रहे हैं, जंगल कट रहा है, नदियों को भरा जा रहा है, अतिक्रमण जारी है, इन सब के होने के बावजूद जो स्थानीय व्यक्ति का दर्द है, जो उनका चिंता है, उनकी आत्मा जो तड़प रही है, इसी को मैंने इस काव्य में उकेरा है। मुझे यह कहना है कि कोई भी नदी हो उसकी अलग महत्ता होती है, लेकिन झारखंड की ये जो स्वर्णरेखा नदी है इसका अजब इतिहास है, इसकी गजब कहानी है। यह इसमें नहा कर, इसका चंदन कर, इसे पानी लाकर लोग देश के मुकाबला करने के लिए जाते थे, विकास की बात करते थे, और आज वर्षों से आज़ादी मिलने के बावजूद भी विकास की बात तो बहुत हो रही है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, पानी की त्राही त्राही हो गई है, और पानी को नदी को भी उसको जो घेर करके घर बनाया जा रहा है। इसमें कौन है यह मैं नहीं कहूँगा, हाँ मैं भी दोषी हूँ, लेकिन अगर मैं भी दोषी हूँ तो मुझे भी दंडित किया जाए और जो नदी की जो गरिमा है उसे बरकरार रखें। और सबसे विशेष बात यह है, झारखंड की साहित्य और झारखंड की संस्कृति, यह अगर विश्व के नक्शे से, मैं भारत का नक्शा नहीं बोल रहा हूँ, विश्व के नक्शे से अगर निकाल दिया जाए तो जितने भी जनजातीय क्षेत्र के अन्य प्रांतों की तुलना में झारखंड ने जो इतिहास रखता है, बिरसा मुंडा के सपना को जो साकार किया है, एल्बर्ट एक्का की शहादत को जो हरदम याद करते हैं, सिद्धो कान्हो किनका किनका नाम गिनाऊं, बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं ये सोचा अचानक कि उनकी आत्मा पर कैसा गुजर रहा होगा। वो लौटते हुए वहाँ से आए और लौटते हुए यहाँ से गए, आज आंखें से आंसू निकल आता है। हम लाख सेखी बघा रहे हैं, हम सब लोग राजनीति की जाल में फंसकर उसके अनुसार फंसकर काम करते हैं।